नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलिविडिटी के बारे में कि एलिविडिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन रहती है, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास एक जैफ्रॉन मेक का एलिविडिटी है, कंपनी का नाम है जैफ्रॉन, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ब्राउन, ब्लू, येलो। तीन वायर इसके अंदर दी गई हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी येलो वायर है, ठीक है, ये आपकी ब्लू कलर की वायर है और ये आपकी ब्राउन कलर की वायर है। इन तीन वायर से इसकी सप्लाई जाती है और यहीं से हमें आउटपुट मिलती है और इन्हीं को हम PLC के ऊपर कनेक्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा एलिविडिटी के बारे में कि एलिविडिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं PLC के साथ और कैसे इससे आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास एलिविडिटी है, ये स्प्रिंग लोडेड एलिविडिटी है। ये क्या है? स्प्रिंग लोडेड एलिविडिटी है। अलग अलग टाइप के एलिविडिटी आते हैं, इसमें आउटर साइड स्प्रिंग दिया गया है, कुछ एलिविडिटी के अंदर इंटरनल ही स्प्रिंग रहता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग लोडेड एलिविडिटी है। इस एलिविडिटी के अंदर स्प्रिंग का काम यह है कि जैसे ये प्रेस होगा, ये स्प्रिंग फोर्स लगा के फिर से इसको इसकी वापस एक्चुअल पोजिशन के अंदर ले आता है। एलिविडिटी जो होता है, एलिविडिटी की फुल फॉर्म होती है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। एलिविडिटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, वो ऑटोमेशन में PLC के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, जहां पे भी आपकी एप्लीकेशन है कि आपको डिस्टेंस मापना है। आपको क्या मापना है? डिस्टेंस मापना है, डिस्प्लेसमेंट मापनी है आपको कि कितना आपका ट्रेवल हुआ है। लीनियर आपको क्या मापना है? लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को आपको मापना है। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? एलिविडिटी का इस्तेमाल करोगे। ये बेसिकली एक फिक्स डिस्टेंस को मापने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। फिक्स डिस्टेंस का मतलब क्या है? फिक्स डिस्टेंस का मतलब यह है कि अभी जो ये आपको एलिविडिटी दिखाई दे रहा है, इसकी एक लेंथ है, ठीक है। इससे ज्यादा का जो मेजरमेंट है, इस एलिविडिटी से लेंथ के ज्यादा का मेजरमेंट मैं नहीं कर सकता। एलिविडिटी अलग अलग लेंथ के आते हैं, 100 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm तक के एलिविडिटी आते हैं, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना होता है पहले कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मैक्सिमम जो आपकी लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एलिविडिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने ले लिया 100 mm का एलिविडिटी, आपने कितना ले लिया? 100 mm का। 100 mm का मतलब कि उसका जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगा 100 mm होगा, मतलब वो ऐसे कितना ट्रेवल कर सकता होगा? 100 mm ट्रेवल कर सकता होगा। तो आपने 100 mm का एलिविडिटी ले लिया, अब आपने उसको मशीन में लगा दिया और प्रोग्राम कर दिया। अब आपके पास रिक्वायरमेंट ये आई, आपको कोई कह रहा है कि यार इससे ना 150 mm माप दो, इससे क्या कर दो? 150 mm माप दो। तो क्या आप 150 mm माप दोगे? उससे नहीं माप दोगे, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ट्रेवल करने का वही 100 mm है। तो आप उसे 150 कैसे माप दोगे? तो आप उसको बोलोगे कि सर ये 100 mm का एलिविडिटी है, 150 mm इससे नहीं माप सकते। 150 क्या सर, इससे तो 101 mm भी नहीं माप सकते, आप 150 की बात कर रहे हो। हमें 150 mm मापने के लिए एलिविडिटी बड़ा लगाना पड़ेगा, मिनिमम 200 mm का एलिविडिटी हमें लेना पड़ेगा, तभी हम इस डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिक्स डिस्टेंस हो गया। अभी आपने 100 mm का लगाया था तो 100 ही माप सकते हो, तो फिक्स डिस्टेंस मेजरमेंट होगी। 200 mm का लगाओगे तो 200 ही माप सकते हो, 201 नहीं माप सकते। 200 से नीचे नहीं माप लो, 1 mm से लेकर 200 के बीच में कितना ही माप लो, 200 से ऊपर 201 नहीं माप सकते। तो इसलिए इसका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां आपका जो डिस्टेंस वो फिक्स रहने वाला है, आपको पता है कि वेरी नहीं करने वाला, ये हमेशा मेरे को इतना ही मेजरमेंट करना है, तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा? एलिविडिटी लगाऊंगा, वहां पे एलिविडिटी की एप्लीकेशन होगी। अब ये जो डिस्टेंस है, इसको आप किसी भी टर्म में ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस मापेगा। डिस्टेंस से आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, आप किसी चीज़ की विड्थ माप सकते हो, आप किसी चीज़ की हाइट माप सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी माप सकते हो। अब वो मापना आपके ऊपर है, वो सारी कैलकुलेशन, वो सारा जो भी कलाकारी होती है वो PLC के प्रोग्राम में होती है। PLC का प्रोग्राम के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, इससे आप कुछ भी माप सकते हो। वो एप्लीकेशन फिक्स डिस्टेंस की होनी चाहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए और फिक्स होना चाहिए। तो आप इससे उसकी लेंथ निकाल लो, फिर विड्थ निकाल लो, वो सारा कुछ कहां पे होता है? PLC प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। ये तो हमें सिर्फ एनालॉग वोल्टेज दे देता है कि ये 0 से 10 वोल्ट या 0 से 5 वोल्ट एनालॉग वोल्टेज निकाल के दे देगा। उस एनालॉग वोल्टेज को लेके चला जाऊंगा मैं PLC के एनालॉग मॉड्यूल में और फिर PLC के सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग कर दूंगा और उस प्रोग्रामिंग में फिर कुछ भी मैं अपना मेजरमेंट कर लूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे आप कुछ भी माप सकते हो। जैसे ये कॉन्टैक्टर है, एक मैं आपको एग्जांपल के लेके बताऊं, ये कॉन्टैक्टर है, इस एलिविडिटी की सहायता से मैं इस कॉन्टैक्टर की विड्थ भी माप सकता हूं, इस कॉन्टैक्टर की हाइट भी माप सकता हूं, इस कॉन्टैक्टर की लेंथ भी माप सकता हूं। तो वो एप्लीकेशन मेरे ऊपर बनाने पे है कि मैं इस एलिविडिटी से क्या करना चाहता हूं, इसकी इस कॉन्टैक्टर की लेंथ में, विड्थ में, हाइट में तीनों के अंदर क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तीनों के अंदर क्या है? लीनियर डिस्टेंस है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। देखो, अगर इसकी हाइट मापनी है तो सीधी हाइट है ना, एक लाइन में ऐसे लीनियर सीधी खड़ी हुई, ऐसे ही अगर इसकी विड्थ मापनी है तो विड्थ भी सीधी है, लीनियर है, ठीक है। चौड़ाई मापनी है तो चौड़ाई भी लीनियर है। तो लीनियर की कोई भी एप्लीकेशन हो वो एलिविडिटी से मैं माप
सकता हूँ, आगे कुछ भी बना सकता हूँ उसकी एप्लीकेशन, फिर चाहे वो मैं उससे लेंथ निकाल लूँ, चाहे विड्थ निकाल लूँ, हाइट निकाल लूँ, कुछ भी निकाल लूँ, वो प्रोग्राम में डिपेंड करता है कि कैसे प्रोग्राम के अंदर कलाकारी करनी है। अब थोड़ा सा इसकी वायरिंग के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे इसकी वायरिंग होती है। इसके अंदर बेसिकली तीन ही वायर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इन वायरों का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। जो ब्राउन कलर का वायर है, ये जो ब्राउन कलर का वायर है ये हमारा पॉजिटिव होता है, जो ब्लू कलर का वायर है वो हमारा 0 वोल्ट होता है, कॉमन होता है, और जो येल्लो है येल्लो से हमें आउटपुट मिलती है। अब ये एक बात ध्यान रखने वाली है, एलवीडीटी में जब भी सप्लाई देनी होती है वो या तो 5 वोल्ट दी जाती है, 10 वोल्ट दी जाती है, 24 वोल्ट डीसी कभी भी नहीं दी जाती। कभी आप सोचोगे इस पर ब्राउन और ब्लू लगाया जी 24 वोल्ट डीसी ठोक देते हैं, नहीं चलेगा, आपका काम नहीं करेगा। एलवीडीटी हमेशा काम करता है 5 वोल्ट पे और 10 वोल्ट पे। ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेशर बंदे से कि एलवीडीटी की प्रोग्रामिंग करी है, हाँ जी करी है, तो बताओ कितने वोल्ट पे ऑपरेट करता है, डीसी पे ऑपरेट करता है तो कितनी वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे और 10 वोल्ट पे। 5 वोल्ट पे और 10 वोल्ट पे क्यों ऑपरेट करता है, 24 वोल्ट पे क्यों नहीं ऑपरेट करता, ये बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका आंसर ये है कि सर जो हमारा एलवीडीटी होता है ये सारा कुछ एलवीडीटी जो है ये एनालॉग सिग्नल पे रहते हैं, ये हमें क्या देते हैं, एनालॉग आउटपुट देते हैं, और जो पीएलसी के अंदर हमारे एनालॉग मॉड्यूल आते हैं उनके अंदर जो स्टैंडर्ड रहता है वोल्टेज का वो 5 वोल्ट और 10 वोल्ट रहता है, इसलिए हम हमेशा एलवीडीटी को 5 वोल्ट और 10 वोल्ट में इस्तेमाल करते हैं, 24 वोल्ट में इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करके उसको बतानी है। तो एलवीडीटी में हमेशा क्या देना होता है, 5 वोल्ट देना होता है और 10 वोल्ट देना होता है। वायरें इसके अंदर तीन ही होती हैं, वो थोड़ी सी डिटेल में आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि आपको इजीली समझ में हो जाए। तीन ही वायर दे रखी हैं इसके अंदर, आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक दे रखी है आपको ब्राउन, एक कौन सी दे रखी है जी ब्राउन। ब्राउन हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, 5 वोल्ट दे लो या 10 वोल्ट दे लो, 24 वोल्ट नहीं दे सकते, ठीक है, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट 24 वोल्ट नहीं दे सकते हम इसके अंदर। और ब्लू आपको पता है हर एक सेंसर के अंदर हमारा कॉमन रहता है, तो 0 वोल्ट देना है आपको। और येल्लो जो है आपकी, येल्लो से आपको क्या मिलेगी, आपको आउटपुट मिल जाएगी येल्लो से, ठीक है। तो ये आपको तीन ही वायर इसके अंदर जोड़नी होती हैं, वो तीनों वायरें कैसे जोड़नी है वो मैं जोड़ के बता देता हूँ अभी आपको, और कैसे आउटपुट मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक SMPS है, ये मैंने एक SMPS लिया है, ठीक है, ये ओमरोन कंपनी का SMPS है और ये 5 वोल्ट का SMPS है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना DC 5 वोल्ट 5 एम्पियर, ये कितने वोल्ट का SMPS है, 5 वोल्ट का SMPS है। यहाँ पे इस पे नीचे लाइन और न्यूट्रल देना था और लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ चुका हूँ, यहाँ से मेरे को आउटपुट में कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। अब वायरिंग करने से पहले देखो, वायरिंग करने से पहले हमेशा क्या कर लेना, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको मेजर कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसकी सप्लाई को ऑन कर दिया और मल्टीमीटर लिया, और मल्टीमीटर की सहायता से मैं क्या करूँगा, इस SMPS से जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको मेजर करूंगा। क्यों मेजर करूंगा, क्योंकि पता चले वायरिंग कर रहा हूं गड़बड़ SMPS में हो और प्रॉब्लम SMPS के अंदर हो, और मैं चेक करता फिर एलवीडीटी को, एलवीडीटी की वायरिंग चेक करता फिर रहूँ कि आउटपुट नहीं निकाल रही। तो कभी भी वायरिंग करो किसी भी एनालॉग डिवाइस को, न्यू डिवाइस को, तो उसको एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे मैं लगाऊंगा, ठीक है, ये मैंने लगाया यहाँ पे और ये मैंने लगाया यहाँ पे, तो अभी मेरे को यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट मिलनी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट आउटपुट मिलनी चाहिए। इसको मैं सही से लगाता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने लगाया प्लस पे और ये मैंने लगाया माइनस पे, ठीक है, अभी ये आउटपुट नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा आउटपुट ये SMPS, इसको एक बार देखना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे 20 पे इसको कर दिया, 20 पे करने के बाद यहाँ पे सही से, हाँ इसीलिए नहीं लग निकाल रहा क्योंकि ये नीचे की तरफ है, स्क्रू कई बार लूज़ होते हैं तो ये आउटपुट नहीं दे पाता। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट जो है वो मिलना चाहिए। यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, एक बार इसको मैं सही तरीके से कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने सही तरीके से कनेक्ट किया, हाँ ये देखिए अभी 5 वोल्ट आ रहा है। ये मल्टीमीटर की जो लीड है वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो स्क्रू है ना इसके बीच में गैप बन जाता है, आप देखो ये लूज़ हो जाते हैं तो ऊपर से नीचे कनेक्ट नहीं हो पाता। ये देखिए यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये गैप बन जाता है, ये हल्का सा ये गैप है ना, इस गैप की वजह से ये नीचे से टच नहीं हो पाता जिससे वोल्टेज नहीं मिलता। अभी मैंने लीड को सही तरीके से लगाया तो ये मेरे को 5 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने लीड को सही तरीके से कनेक्ट किया है तो मेरे को यहाँ पे 5 वोल्ट DC जो है वो आउटपुट में मिल रहा है। अब SMPS सही है, SMPS पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को अब इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग करने के लिए क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीन ही वायर हैं यार दोस्त, कुछ भी ज़्यादा कलाकारी है ही नहीं। तो जो ब्राउन वायर है, जो ब्राउन है, इसको मैं कहाँ जोड़ दूंगा, पॉजिटिव पे जोड़ दूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये ब्राउन वायर है, मैं इसको यहाँ पे लूंगा और इसको ब्राउन वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से। उसके बाद जो ब्लू वायर है उसको मैं 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दूंगा, मैं ब्राउन के लिए और ब्लू के लिए इन टर्मिनल को लूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर का वायर लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे
प्लस पे, ठीक है, 5 वोल्ट की है तो प्लस के 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। और ये जो दूसरा मेरा ब्लू है, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया ग्राउंड पे कनेक्ट। इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ कनेक्ट करने के लिए। ये जो मेरा ब्लू था इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 0 वोल्ट पे, ठीक है, जो मेरा कॉमन है उस पर कनेक्ट कर दिया। बस कनेक्शन हो गए, इतने ही कनेक्शन होते हैं इसके अंदर। ये कनेक्शन हो चुके हैं LVDT के, ठीक है। इसके अंदर 3 वायर रहती हैं हमारी। 3 वायर के अंदर मैंने जो ब्राउन था उस पर मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, ब्राउन को आपको दिखाई दे रहा होगा। जो ब्लू है इसको मैंने 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है इसके, ठीक है। अब इसको आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या देगा, एनालॉग वोल्टेज देगा। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, वैसे वैसे हमारी वोल्टेज कम ज़्यादा होगी, और उसी वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम है उसको बनाएंगे। जैसे जैसे वो वोल्टेज कम ज़्यादा होगी फिर हम वैसे वैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये मैंने एक को लगाया येलो पे मल्टीमीटर की लीड को, और दूसरे को लगाया मैंने यहाँ पे, आप देखिए मेरे को 5 वोल्ट मिल रही है। दूसरे को कहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे ब्लू वाले पे। अब मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा ये वोल्टेज मेरी कम होगी। एक लीड को मेरे को कहाँ लगा देना है, येलो पे लगाना है, ठीक है, और दूसरी लीड को मेरे को कहाँ लगाना है, ब्लू पे लगाना है, कॉमन पे लगाना है। मतलब ये मेरे को प्लस 5 वोल्ट निकाल के देगा। LVDT मेरे को क्या देगा, प्लस 5 वोल्ट निकाल के देगा। मैं इस लीड को, मल्टीमीटर की जो लीड है इसको SMPS पे ही कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि ये बार बार लीड हिले ना और हम बड़ी ईजिली से उसको चेक कर पाएं। ये मैंने लीड को यहीं पे SMPS पे टाइट कर दिया, ठीक है। अब जो ये दूसरी लीड है इस पे मैंने ये लगाया, एक लीड को मैं लगाऊंगा माइनस पे, ठीक है। यहाँ से मेरे को प्लस 5 वोल्ट मिलेगा, येलो से क्या मिलेगा, प्लस 5 वोल्ट मिलेगा। वोल्टेज मेजर करने के लिए दूसरी लीड को कहाँ लगाना है, 0 वोल्ट पे लगाना है, ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही प्रेस करूँगा, अभी आप देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाई दे रही होगी। अभी जब ये फुल खुला हुआ है, ये LVDT जब पूरा खुला हुआ है, तो आपको कितनी वोल्ट मिल रही है, 5 वोल्ट मिल रही है। जैसे ही इस LVDT को प्रेस करूँगा, देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेस करता चला जाऊँगा, ये वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसी वोल्टेज का रेफरेंस लेके जब ये पूरा खुला रहता है तो 5 वोल्ट, जब ये पूरा प्रेस हो जाता है तो 0 वोल्ट मिलेगा। इसी वोल्टेज का रेफरेंस लेके हम PLC के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं, एनालॉग प्रोग्रामिंग करते हैं, और अपने डिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि देखिए मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है, मेरे को इतना मेजर करना है, तो हर बार जब यहां पे जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट मेरे को मिलेगा। तो PLC के अंदर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, इस वोल्टेज को मैं कन्वर्ट करूंगा डिजिटल वैल्यू के अंदर, फिर कंपैरिजन करके आगे सारा कुछ करके उसको कंट्रोल करेंगे। ये जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे LVDT और इनकोडर के, हाई स्पीड प्रोग्रामिंग के और एनालॉग प्रोग्रामिंग के, उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज जो बेसिकली काम मेरे को बताना है आपको, LVDT की वायरिंग और LVDT से कैसे वोल्टेज कंट्रोल होती है उसके बारे में आपको बताना है। अब PLC पे इसकी वायरिंग कैसे होगी, देखिए यहाँ पे तो एक ही वायर है, जबकि PLC पे वोल्टेज अगर आप देखोगे, जो एनालॉग मॉड्यूल होता है उस पे 2 पोर्ट रहते हैं हमारे। एनालॉग मॉड्यूल अगर आप PLC का देखोगे तो उस पे दो पोर्ट रहते हैं, प्लस वी और माइनस वी। तो आपको क्या करना है, इसको तो जोड़ देना है प्लस वी पे, जो येल्लो है इसको किस पे जोड़ देना है, प्लस वी पे जोड़ देना है। जो दूसरी माइनस वाली वायर है आपको क्या करना है, इस SMPS पे एक वायर और जोड़ना है, और इस SMPS से एक वायर को उठा के यहाँ पे माइनस वाले पे से उठा के, और जो PLC का जो पोर्ट होगा, जो माइनस वाला पोर्ट है, उस पे आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी एनालॉग मॉड्यूल एक बार निकालना पड़ेगा मेरे को, तो मैं एक बार एनालॉग मॉड्यूल अभी निकाल के आपको उसका भी बता दूंगा कि कैसे ये रहता है। तो बिल्कुल सिंपल सी रहती है इसकी वायरिंग। एक मिनट मैं हाँ देखिए, ये मैंने एनालॉग मॉड्यूल निकाल लिया है। इसमें आप इस अगर एनालॉग मॉड्यूल को देखोगे PLC वाले को, कि PLC पे हमें कैसे कनेक्ट करना है, अभी मेरे पास ये मित्सुबिशी का एक एनालॉग मॉड्यूल है, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों ही ऑप्शन है। वोल्टेज और करंट दोनों को ही मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है। तो आप देखोगे एनालॉग वोल्टेज 1 और 2, दो इसके अंदर पोर्ट दिए गए एनालॉग वोल्टेज के लिए, एक VI in 1, एक VI in 2। VI in 1 के लिए कॉमन 1 है, VI in 2 के लिए कॉमन 2 है। तो ये जो येल्लो वाली वायर है, ये जो येलो वाली वायर है, ये कहाँ पे लग जाएगी, ये VIN1 पे लग जाएगी, ये VIN1 पे यहाँ पे लग जाएगी। और जो इसके माइनस है, इसी SMPS का यूज़ करना है, दूसरे SMPS का यूज़ नहीं करना। इसी SMPS का जो कॉमन है, जो 0 वोल्ट है, वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस कॉमन 1 पे जुड़ जाएगा। अगर मैं चैनल 1 को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 2 चैनल है, एक VIN1 और एक VIN2। अगर चैनल 2 को यूज़ कर रहा हूँ, तो जो येलो वाली वायर है, ये VIN2 पे यहाँ पे जुड़ जाएगी, और फिर इस SMPS से एक 0 वोल्ट पे वायर जोड़ूंगा, और उस वायर को कहाँ पे जोड़ दूंगा, कॉम 2 पे जोड़ दूंगा, तो ये चैनल 2 पे हमारी वोल्टेज चली जाएगी। और फिर इससे हम फर्दर इस एनालॉग वोल्टेज से PLC के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, अपनी कंट्रोलिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो LVDT है उसको हम प्रोग्राम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसकी वायरिंग करते हैं। फिक्स डिस्टेंस जहां पे हमें मेजर करना होता है वहां पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो वोल्टेज कम ज्यादा होगी, जैसे जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ये वोल्टेज हमारी कम ज्यादा होगी। इस वोल्टेज का रेफरेंस लेके अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हम एक पूरी सीरीज इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे LVDT की और इनकोडर की। अभी मैंने
कल भी वीडियो अपलोड की थी, तो पूरा उसके अंदर पहले थ्योरेटिकल पार्ट फिर प्रैक्टिकल वन बाय वन लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।